सबको जय मसीह की। आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह की एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, परमेश्वर की कहानी। ये परमेश्वर है, ये मनुष्य है। परमेश्वर ने सारी दुनिया की रचना करी, सारी सृष्टि को बनाया, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, जंगली जानवर बनाए, फिर उसने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर और मनुष्य एक साथ रहते थे, प्यार से रहते थे। एक दिन मनुष्य से पाप हुआ और वो परमेश्वर से अलग हो गया। जब वो परमेश्वर से अलग हो गया तो उसने बहुत कोशिश करी वो परमेश्वर से मिले। परमेश्वर से मिलने के लिए उसने बहुत से धर्म के काम किए, गरीबों को खाना खिलाया, जीव जंतुओं को खाना खिलाया, जंगली जानवरों को खाना खिलाया, उनकी सेवा करी, गरीबों की मदद करी, कंगालों की मदद करी, लेकिन वो परमेश्वर से नहीं मिल पाया, परमेश्वर के करीब नहीं जा पाया। लेकिन परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, इसलिए उसने अपने प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। जब मनुष्य परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगी तो परमेश्वर ने उसे क्षमा किया, और फिर परमेश्वर और मनुष्य फिर से एक साथ प्रेम से रहने लगे। ये है हमारे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कहानी। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र जिंदा और इकलौता परमेश्वर है। वो हमसे प्यार करता है। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है, हमारे साथ रहता है, हमारे जीवन को बचाता है। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। और आमीन।